यहाँ से बात करें सरसों के बाद अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन तो पहले हमने एक अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आया था। सोयाबीन की कीमतों में एक अच्छी खासी तेज़ी दर्ज की गई थी। दरअसल जब सोयाबीन की बुआई का वक्त था तब उस समय किसानों के पास सोयाबीन दाना मौजूद नहीं था बुआई के लिए, और जो दाना उपलब्ध था किसानों के पास, कारोबारियों के पास, वो उस क्वालिटी का नहीं था कि सोयाबीन की अच्छी उपज ली जा सके, और ब्लैक मार्केटिंग ज़्यादा देखने को मिली थी सोयाबीन की, जिसकी वजह से सोयाबीन की बुआई का रकबा कम होता हुआ नज़र आया था। लेकिन अब ऐसे आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं कि किसानों ने महंगा बीज होने के बावजूद भी महंगा बीज खरीदा है और सोयाबीन की बुआई की है, काफ़ी मेहनत करी है, लेकिन अब किसान की मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। दरअसल एक तो मानसून फिर से एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से सोयाबीन की फसल खेतों में खड़ी खड़ी खराब हो गई, तबाह हो गई, ज़्यादा भारी बारिश की वजह से किसानों को एक तो वहाँ पर नुकसान हुआ है, और दूसरा सरकार ने जब सोयाबीन की बुआई की किल्लत देखने को मिल रही थी तब जो पशु चारा इंडस्ट्री थी, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री थी, वहाँ से डिमांड आई थी कि सोयाबीन की कीमतें थोड़ी कम की जाएं, क्योंकि उनकी जो लागत है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। सोयाबीन दाना का इस्तेमाल पशु चारे में इंडस्ट्री में भी होता है, सोयाबीन खली का, और इसी के मद्देनज़र फिर सरकार ने सोयाबीन के आयात का फैसला किया था, और जब से आयात हुआ है तो फिर उसके बाद से किसानों को जो आस थी कि महंगा सोयाबीन का महंगा बीज खरीदने के बावजूद जो बुआई की है उसकी लागत कहीं ना कहीं निकल जाएगी, तो सरकार के सोयाबीन के आयात करने के फैसले से कहीं ना कहीं किसानों का जो जोश था कि सोयाबीन के अच्छे दाम मिलेंगे और जो उनकी जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटती नज़र आई। पहले जो सोयाबीन मंडियों के अंदर 10-10, 11-11, 12-12 हज़ार तक बिकती नज़र आई थी, अब उसी सोयाबीन के दाम 5,000, 7,000, 8,000 ऐसे देखने को मिल रहे हैं, और सोयाबीन का आयात अभी भी जारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों को अब ऐसा डर सताने लगा है कि कहीं उनकी सोयाबीन MSP से भी कहीं नीचे ना बिकने लग जाए, क्योंकि 5,000 का लेवल तो मंडियों के अंदर पहले से ही देखने को मिल चुका है, और दूसरा बारिश की वजह से, भारी बारिश की वजह से जो सोयाबीन है उसकी क्वालिटी भी बेकार हो सकती है, उसके अंदर नमी ज़्यादा देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से मंडियों में किसानों को रेट कम मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो किसानों की जो लागत है वो निकलनी मुश्किल हो जाएगी। अब किसान ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उनका कहना ये है कि जब बुआई के लिए बीज नहीं था तो सरकार ने उस समय सोयाबीन का आयात क्यों नहीं किया, जिससे कि अगर सरकार उस समय सोयाबीन का आयात करती कहीं से तो किसानों के पास बीज उपलब्ध हो पाता और घरेलू स्तर पर ही सोयाबीन की किल्लत दूर हो जाती, खपत जो है उसको पूरा किया जा सकता था और घरेलू पोल्ट्री उद्योग की भी मदद हो सकती थी। लेकिन उस समय ऐसा फैसला नहीं आया, जब किसानों ने महंगा बीज खरीद लिया, उसके बाद बुआई कर ली, और जब लागत निकलने का समय आया, सोयाबीन बेचने का समय आया मंडियों के अंदर, तब सोयाबीन के सोया यानी कि सोया खली का आयात का फैसला लिया गया, जिसकी वजह से जो किसान है वो अभी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, उनकी लागत निकलना भी अभी मुश्किल हो रहा है। तो सोयाबीन का रुझान अभी जानकार नीचे की तरफ ही बता रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतों में अभी निचले स्तर और देखने को मिल सकते हैं। हाल फिलहाल में हमने सोयाबीन में 5,800 तक के लेवल आते हुए देखे हैं, हो सकता है कि सोयाबीन यहाँ से अगर 5,500, 5,400 या 5,000 तक भी लुढ़क जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।